हेलो गाइस, मैं हूं अली मंसारी और आप देख रहे हैं यूनिक रॉबर्ट एली एक्सपेरिमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम एक टेलीफोन के अंदर क्या होता है, क्या क्या पार्ट यूज़ किया जाता था, उस चीज़ को हम दिखाने वाले हैं कि कैसे पुराने ज़माने में एक टेलीफोन का यूज़ करके एक दूसरे को दूर दूर से जोड़ा जा सकता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको खोल लेते हैं और इसका माइक का सिस्टम जो है डिसकनेक्ट करके, फिर उसके बाद इसको जो है स्क्रू इसका जो लगा हुआ है उसको भी खोल लेते हैं और अंदर के साइड में स्क्रू लगा है इसके। पुराने ज़माने में बहुत ही अच्छा विकल्प था, बहुत अच्छी सुविधा थी कि दूर दराज से कहीं भी किसी से भी जब चाहो जब बात किया जा सकता था, और आज भी है। लेकिन आज के ज़माने में मोबाइल का उपयोग किया जाता है, तो जो इससे और भी लेटेस्ट है। तो हमारा ये टेलीफोन जो है खुल चुका है, तो अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। आप इसके अंदर कई सारे पार्ट्स देख सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा पार्ट्स जो इसका पीसीबी का है, सिस्टम जो बहुत बड़ा है, सिस्टम इसमें लगा हुआ है और आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। और इसको हम आपको और अच्छी तरीके से दिखाएंगे। तो ये है, आप देख सकते हैं स्पीकर जो रिंगर का काम करता है। ये यहाँ पर पीसीबी को कनेक्ट है, उसके बाद ये प्रिंट पत्ता जो आया है बटन के लिए, जो बटन दिया होता है डायलिंग के लिए, वो बटन का पत्ता यहाँ से मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ है पीसीबी से। और ये पीछे वायर लगाने के लिए, जो हमारा टेलीफोन का वायर आता है बाहर से, वो लगाने के लिए है सिस्टम। और ये फ़ोन जब रखते हैं तो यहाँ से एक स्विच लगा होता है जिससे फ़ोन कट जाता है। देख सकते हैं आप, ये अंदर गया, फ़ोन कट गया, ऐसे कुछ सिस्टम होता है इसका। और उसके बाद ये मैग्नेट टाइप का कुछ दिख रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, आप अगर जानते होंगे तो कमेंट में बता देना हमको। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और बाहर से भी आप देख सकते हैं। और ये कुछ कंपोनेंट्स, हार्ड बोर्ड और कुछ कंडेंसर फ्यूज लगे हुए हैं। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम का वायरलेस सिस्टम जो है, इसका बोर्ड इधर लगा हुआ है। और ये छोटे छोटे डायोड और कंपोनेंट लगे हुए हैं। और ये रिंगर का वॉल्यूम हाई और लो करने के लिए बटन दिया हुआ है, और ये भी उसी के लिए एडजस्टिंग का है। और ये वॉइस आने के लिए, धीम तेज करने के लिए है सिस्टम। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता था, लेकिन उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार इसको माना जाता था। और उसका बटन कुछ इस तरीके से बाहर है, और ये सिंपल तरीके से है। बहुत बहुत पुराना नहीं, लेकिन पुराना है, 1900 का है, 1900 के दशक का है ये, मेड इन जापान, ये बाहर से आया था हमारे यहाँ। इसको पैक कर देते हैं फिट करके, और फिर आपको माइक का सिस्टम दिखाते हैं। तो माइक का सिस्टम हमारा कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर एक कैबिनेट टाइप का पिन दिया हुआ है, इसको हम खोल देंगे। इसी के पीछे स्क्रू लगा हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो फिर ये माइक का हैंडल जो है खुल जाएगा। तो इसको खोल लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से अंदर से क्या क्या पार्ट्स, क्या सामान यूज़ किया गया है उसको दिखाएँगे। हमारा इसको खुल चुका है और ये हो गया ओपन। यहाँ पर ये टाइट, फर्स्ट टाइम खुल रहा है तो ये फिटिंग इसकी टाइट ही दिखेगी रहेगी। तो इसको खोल लेते हैं, वेट अ मिनट, खोल लेते हैं इसको। तो बहुत ही टाइट फिटिंग है इसकी। ये यहाँ पर खुल चुका है, हम तोड़ भी देंगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तोड़ दिया है। और ये इन साइड, अंदर के साइड से कुछ इस तरीके से लगता है, और ऊपर स्पीकर लगा हुआ है, नीचे माइक लगा हुआ है, सिस्टम कुछ कनेक्शन कुछ ऐसा किया हुआ है।
और उसके ऊपर से एक लोहे की पट्टी लगी हुई है कि सपोर्ट जो है पीछे से माइक के सपोर्ट मिलता रहे स्पीकर के। इसको भी खोल लेते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारा कैसा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपना प्यार ऐसे बनाए रहें। काफ़ी टाइम के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। उसका वायरिंग कनेक्शन किया हुआ है, माइक कुछ इस तरीके का होता था पहला माइक, पहले का माइक। अभी तो फ़िलहाल बहुत महीन बहुत छोटा माइक आता है, रिंगर माइक बात करने के लिए स्पीकर, जो आवाज़ सुनाई पड़ता है उधर से, जब सेकंड पार्टी कोई बोलता है उधर से तो आवाज़ हमको आती है। इसको जो जहां था वहीं पर फिट कर देते हैं, क्योंकि ये टेलीफोन जो है अभी ख़राब नहीं है, बिल्कुल सही है। हम यूज़ कर रहे थे जो फाइबर में लगा के, लेकिन फ़िलहाल इसका निकाल के रख दिए थे, तो हमने सोचा कि ना इस पर वीडियो बनाया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स यूज़ किए जाते थे पहले। तो हमारा वीडियो जो बहुत दिन बाद अपलोड करने जा रहे हैं, तो वीडियो को सपोर्ट करना, थोड़ी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आज मौका मिला तो हमने सोचा वीडियो क्यों ना अपलोड किया जाए। तो इसको भी फिट कर देते हैं और फ़िलहाल तो हमारा टेलीफोन सही है, तो इसको हम फिट करके ऐसे रख देंगे कि आगे जब हमको इस्तेमाल करना हो, लगाना हो, तो हम फिर इसको अपने यूज़ में ले सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रहें। और इतना ही कहना था, बाकी तो आपकी इच्छा है। लाइक करें या ना करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, हमारा काम है अच्छा कंटेंट देना, बाकी आप लोग के हाथ में यूट्यूब है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुदा, थैंक यू।